चले, क्योंकि खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मजलिस आमला का इजलास भी तलब किया गया है और यह तारीख 28 जून बताई जा रही है। 24 और 25 दिल्ली के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस और 28 जून को भारतीय जनता पार्टी ने कारकुनों का इजलास तलब किया है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर तबादले ख्याल किया जा सकता है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और तंजीम को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू होनी है। पार्टी के सीनियर रहनुमा रहेंगे, पार्टी सदर होंगे, जम्मू कश्मीर यूनिट के इंचार्ज होंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। और इस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का इसलिए भी चूंकि इस पर गुफ्तगू करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि हदबंदी कमीशन अपनी बात रखे जम्मू कश्मीर के अंदर, या हदबंदी कमीशन का जो फैसला हतमी है वो सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट रखने के बाद सामने आ जाए, तो उस हवाले से भी तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं कि आगे का लायमल और हिकमत अमली इंतजामिया के साथ साथ पार्टी की क्या कुछ रहेगी और पार्टी की विद इन द पार्टी या तंजीम के जो अपने मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा 28 तारीख को त्रिकुटा नगर के अंदर, जहां पर हेड ऑफिस के अंदर इस मीटिंग को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट वर्किंग कमेटी का इजलास 28 जून को तलब किया गया है। इस वर्किंग कमेटी के इजलास के अंदर जहां कई अहम करारदादों को पेश करने की बात हो रही है, उन्हें मंजूर करने की बात हो रही है, वहीं पर जिला सदर के लीडरों को भी वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने की इजाजत दे दी गई है। ये स्टेट वर्किंग कमेटी का इजलास लगभग हर 3-4 माह में होता ही है, लेकिन इस बार ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि मैंने पहले कहा 24-25 तारीख दिल्ली के अंदर सरगर्मी रहेंगी और उसके फौरन बाद बीजेपी अपना सूबाई इजलास स्टेट वर्किंग कमेटी का इजलास तलब कर रही है और यह माना जरा कि दरअसल पार्टी गियर अप आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, कार्डर को गियर अप कर रही है ताकि आने वाले दिनों में जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट सामने आए उसके बाद चुनाव के लिए जाना हो तो आज से ही तैयारियों में जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी खबर इस वक्त कि स्टेट वर्किंग कमेटी का इजलास भारतीय जनता पार्टी का 28 जून को मुकर्रर किया गया है।